हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। तो देखिए, आज मैं आपके साथ एक मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगी। पहले हमने बनाए थे नारियल के लड्डू, आज हम बनाएंगे नारियल की बर्फी। कैसे बनाते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रेसिपी मिठाई बहुत ही अच्छी बनने वाली है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देख लीजिए मैंने क्या क्या लिया है। नारियल का बुरादा लिया है, एकदम बारीक नारियल लेना है आपने। और मैंने लिया है पिसी हुई चीनी, और ये मैंने लिया है छोटी गिलास दूध लिया है, ये ज़रूरत पड़ने पर ही हम यूज़ करेंगे। और ये हमने लिया है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो ले सकते हैं और चाहे तो नहीं। और मैंने लिया है फ्रेश मलाई। तो देखिए, इसके लिए हम लेंगे एक बर्तन ले लेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम नारियल के बुरादे को डाल लेंगे और थोड़ा सा हम इसमें से बचा कर रख लेंगे, जो हम इसकी बाद में गार्निशिंग करेंगे। तो अब देखिए, मैंने नारियल का बुरादा ले लिया है, और इसके बाद हम लेंगे पिसी हुई चीनी ले लेंगे। पिसी हुई चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार मीठा ज़्यादा कम कर सकते हैं। और देखिए, इसके बाद हमने लिया है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, एकदम खोए वाला टेस्ट आता है, इसलिए हम मिल्क पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। और मैंने लिया है एकदम फ्रेश मलाई। तो आप इसमें मलाई डालिए, जिससे बहुत ही टेस्टी बनेगी ये बर्फ़ी। तो देखिए, बस एकदम इसे अच्छे से मिक्स करना है सभी मिक्सचर को। तो देखिए, अब इसमें हम दूध नहीं डालेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि इसका क्या है, मलाई से ही इस डो को हम तैयार करेंगे। तो देखिए, एकदम कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी बनने वाली है इस डो की ना। तो बस इस सभी चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए, तो एकदम एकदम ये मिठाई अच्छी बनकर तैयार होने वाली है। तो बस इसको मिक्स करते जाइए। आप देखिए, ये एकदम क्या है, अच्छे से इसका पूरा डो बन गया है बर्फ़ी के लिए। तो देखिए, बस हम जैसे आटा लेते हैं वैसे ही इसको, इसकी कंसिस्टेंसी बनानी है बिल्कुल। और इसमें आपने ध्यान रखना है कि आप घी मत डालिए, क्योंकि हमने इसमें मलाई का यूज़ किया, तो मलाई क्या है एकदम घी जैसी ही होती है। तो अपने आप वो जो उसमें घी जैसा टेक्सचर होता है, वो अपने आप इसमें छोड़ देती है। तो आपने क्या करना है, घी नहीं डालना इसमें। और इसके हम दो पार्ट कर लेंगे, जो हमने डो तैयार किया है इसके हम दो पार्ट कर लेंगे। एक पार्ट में हम क्या करेंगे, फूड कलर लेंगे, और इसको हम क्या, इसको क्या करेंगे, हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, कलर इसमें एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगा। कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, तो मैं यहाँ दो शेप की बर्फ़ी बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने क्या किया है, दो लेयर बना रही हैं इसकी, तो इसलिए मैंने क्या किया है, एक लेयर रेड कलर की रखी है। तो आप चाहे तो सिंपल भी रख सकते हैं। तो एक देखिए, मैंने एक कलर करके मैंने इसको रेडी कर दिया है। तो देखिए, इसमें मैंने कलर डाला है, वो कलर अच्छे से मिक्स हो गया। मैं थोड़ा हाथों को वॉश कर लूँगी। तो अब देखिए, जो हमने कलर बनाया उसकी क्लियर बना लेंगे अच्छे से, इसको एक शेप दे देंगे। और दूसरी जो मैंने वाइट कलर ही रखा था, उसको इसके उसकी भी ऐसी शेप बना ली है, और देखो इसके ऊपर रख देंगे इसको। तो इसकी क्या है, दो लेयर हो गई हैं, और इसको अच्छे से आप सेट कर लीजिए। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। देखिए, चाकू ले लीजिए और एक शेप बना दीजिए इसकी। बस देखिए, एकदम सेट हो गया ये, तो बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बनकर ये रेडी होने वाली है, मार्केट जैसी, मार्केट से भी अच्छी। तो देखिए, इसको हम काट लेंगे बर्फ़ी की शेप में। देखिए, आराम से अब इसको आपको फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है सेट होने के लिए, ये ऑलरेडी ही सेट है, क्योंकि इसका डो ही ऐसा होता है कि इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप चाहे तो रख भी सकते हैं, पर इसकी कोई नीड नहीं होती। तो देखिए, कितनी अच्छे इसके बनकर पीस तैयार हो चुके हैं। तो देखिए, इसको बस थोड़ा सा ये ऐसा हो गया था, तो हाथों से इसको आप शेप दे दीजिए। देखिए, एकदम मार्केट जैसी बर्फ़ी बनकर रेडी हो गई है। तो देखिए, ऐसे ही आप सभी पीसेस को आप सेट कर लेंगे अपने हाथों से ही। तो देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी भी इतनी अच्छी बनी है। देखिए, मैंने पीस इसके सेट कर लिए हैं हाथों से काट के, जो साइडों से थोड़ा सा निकल जाता है। तो देखिए, इसको भी आप सेट कर लीजिए हाथों से।
तो देखिए हम अपने घर की चीज़ों से ही ऐसी चीज़ें घर पर बना कर रेडी कर सकते हैं और इनका आनंद ले सकते हैं। तो देखिए मैंने सारी बर्फ़ी बना कर रेडी कर ली हैं। तो देखिए बर्फ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप क्या करें अब इसको, आप इसको मैं आपको थोड़ा पीस कट करके दिखाती हूँ आपको मैं। तो देखिए इसका पीस, इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनकर रेडी हुई है। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट ये बर्फ़ी बनकर रेडी हुई है। देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए एकदम खोए जैसा ही है ये। तो देखिए एकदम अच्छी बर्फ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आपको ये मेरी रेसिपी बर्फ़ी की कैसी लगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।